हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को टेंस अलजीब्रा पार्ट फर्स्ट चैप्टर 5 में से प्रोबेबिलिटी, उसमें का हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए देखते क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन एस। देखिए क्या गया है, नीचे जो कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपको, उसका क्या करना है, सैम्पल स्पेस यानी कैपिटल एस से डिनोट किया गया है। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या करना है, दोनों आपको क्या करना है, नीचे के एक्सपेरिमेंट का राइट डाउन करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्या किया गया है, वन कॉइन एंड वन डाई जो है क्या किया गया है, थ्रोन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ अगर दोनों को हवे में यानी थ्रू किया गया है, थ्रोन किया गया है, तो क्या आएगा उसका सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट क्या आएगा, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट वो क्या करना है आपको, राइट डाउन करना है। तो पहले हम देखेंगे, देखिए पहले हम कॉइन का देखेंगे। तो कॉइन का देखिए, अगर सैम्पल स्पेस देखो तो कैपिटल एस इज इक्वल्स टू क्या, कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है इसके लिए, सेट के लिए जो कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है इसमें भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए देखिए, पहले तो कॉइन के लिए हेड एंड टेल होता है, और डाई, डाई यानी जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो होता है उसके 6 सरफेसेस होते हैं, और उसके लिए हम सैम्पल स्पेस राइट डाउन कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह के उसके 6 सरफेस होते हैं। तो वो इस तरह से होता है, इस तरह से क्या होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, और 6 सारे सरफेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, सिंगल सिंगल का, यानी ये सिर्फ कॉइन का है, ये सिर्फ डाई का है। तो क्या बोलो, अगर दोनों को एक साथ है ना हवा में उछाला गया, तो पूछ रहे कि क्या आएगा इसका सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट। तो चलिए लिखते हैं। तो इन दोनों की पहले हम क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, यानी इन दोनों का सैम्पल पॉइंट सैम्पल स्पेस लिखेंगे। तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हमने क्या किया, वन कॉइन एंड वन डाई का राइट डाउन किया है। तो सॉल्यूशन यहाँ से असली शुरू होगा, ये मैंने ओनली आपको एग्जांपल बताया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस जो है वो पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन में, इफ वन कॉइन एंड डाई थ्रोन, क्या करना है, साइमल्टेनियसली क्या करना है, उन लोगों को थ्रू करना है। तो ये थ्रू, अगर दोनों एक साथ थ्रू किए तो क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे देन, उसके बाद सैंपल स्पेस इज, तो सैंपल स्पेस को यहाँ पे कैपिटल एस से डिनोट किया गया है, और उसमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में क्या करना है, इसको राइट डाउन करना है। तो ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेड और टेल है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो क्या करेंगे, ये अगर आपने है एक सिक्के और एक डाइन यानी एक लूडो का जो होता है वो अगर एक साथ उछाल लिए, तो ये हेड आ गया, तो हेड को क्या करना है आपको, इस 6 टाइम क्या करना है, हेड के साथ लिखना है, यानी हेड को ये 6 नंबर्स के साथ पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद टेल को इस 6 नंबर्स के साथ राइट डाउन करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, पहला क्या करना, हेड का अगर आया तो 1 आ सकता है, सेकंड पे देखिए अगर हेड आया तो 2 भी आ सकता है, उसके बाद हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, एंड हेड के साथ 5 एंड 6 भी आ सकता है। देन उसके बाद अगर हेड हो गया तो टेल आएगा, तो टेल के साथ 1 भी हो सकता है, टेल के साथ 2, टेल 3, टेल 4 एंड टेल 5 एंड लास्ट टेल 6। ये क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, ये हो गया। यानी अगर दोनों को एक साथ उछाले तो इस तरह से क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा। तो इनका क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या करना है, ओनली आपके जितने नंबर है उसको क्या करना है, काउंट करना है और यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो देखिए ये ब्रैकेट है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आया हमारा, 12 आ गए। हो गया, इतना ईजी है सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 देखेंगे। हमने फर्स्ट देखा, अब सेकंड देखिए क्या दिया गया है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मड यूजिंग डिजिट 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स क्या करना है आपको, तैयार करना है यूजिंग किस डिजिट का यूज़ करना है, 2 एंड 3, 5, ये तीनों डिजिट का यूज़ करना है,
बट लेकिन देखिए क्या बोला है, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, यानी एक भी नंबर इसमें से क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी रिपीटिंग यानी क्या, अभी देखिए 235 है, यानी आप 22 नहीं लिख सकते हो, रिपीट हो रहे हैं दो बार। 33 भी नहीं लिख सकते हो, 55 भी नहीं लिख सकते हो, यानी ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर्स आप राइट डाउन नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सैंपल स्पेस क्या आएगा वो देखेंगे पहले। सैंपल स्पेस ये हो गया। तो सैंपल स्पेस यानी क्या करते हैं हम, कैपिटल एस से डिनोट करना है यहाँ पे, कैपिटल एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इस टू के साथ इस दोनों को राइट डन करेंगे, यानी एक बार टू के साथ थ्री यानी 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद एक बार टू के साथ फाइव यानी 25 हो जाएगा, देन उसके बाद एक बार क्या करेंगे, थ्री के साथ टू राइट डाउन करेंगे, फिर फाइव राइट डाउन करेंगे, यानी 32 हो जाएगा एंड 35 हो जाएगा। टू डिजिट नंबर तैयार करने हैं ना हमें, इसलिए ऐसा हो गया। देन उसके बाद क्या आएगा, फाइव के साथ एक बार टू और एक बार थ्री राइट डाउन करेंगे, तो फाइव यानी 52 एंड 53 ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस तैयार हो गया, सैम्पल स्पेस। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट देखेंगे, यानी क्या करना है, यन एंड यस इज इक्वल्स टू, यानी क्या करना है इन, इसका मतलब क्या, टोटल कर देंगे बस, यानी कितने नंबर से वो देखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल एन एस कितने हैं, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 6 है। हो गया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रहा है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। देखिए क्या दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है सर्कल, उसमें क्या दिया गया है, कलर्स दिए गए, और उसमें क्या है, एक एरो है जो क्या है, अगर आपने इस सर्कल को, उसको क्या किया, रोटेट किया यानी गोल घुमाया, तो और अचानक से स्टॉप किया रैंडमली, तो क्या होगा, वो कौन से कलर पे आके रुकेगा, वो क्या करना है आपको बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन इसमें जो है वो टोटल कितने कलर से, 6 कलर से, पहले वो हम राइट डन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन, देर आर टोटल 6 कलर्स, ये हो गया। उसके बाद ऑन द डिस्क, यानी डिस्क पे टोटल कितने कलर्स है, 6 ऑन द डिस्क। अब हम क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, यानी एस इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, कभी भी सैंपल लिखने के टाइम वक्त क्या करना है आपको, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना। तो ये सारे कलर्स हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस में राइट डाउन करेंगे। तो पहले क्या आएगा, रेड के बाद है ऑरेंज, देन उसके बाद है येलो, ब्लू, ग्रीन एंड लास्ट वन क्या है, पर्पल। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, पर्पल लिखना एंड कर्ली ब्रैकेट क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एन एस लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल्स टू एन एस यानी क्या, नंबर, और एस यानी क्या, सैंपल, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी क्या करना है, इन सब को काउंट करना है और यहाँ पे जो है अलर्ट डन करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हमारे, 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या करना है, देखिए आपको क्या किया गया है, 2019 के मार्च का कैलेंडर का पेज दिया गया है, जिसपे क्या किया गया है, आपको बताना है कि 5 से मल्टीपल होने वाले जो जितने नंबर्स हैं, यानी 5 से मल्टीपल होने वाले, यानी 5 के टेबल्स, यानी 5, 10, 15, 20 एंड 25 एंड 30, ये जो नंबर्स हैं वो 5 से मल्टीपल हो रहे हैं, तो उनके क्या करना है आपको, डेज बताना है। डेज क्या बताना है आपको, डे बताना है। डेज बताने मतलब देखिए, अभी 5 जो है क्या, फर्स्ट मल्टीपल है, तो 5 को कौन सा डेट आ रहा है, ट्यूसडे। उसके बाद 10 है, तो 10 को क्या आ रहा है, ये सैटरडे और ये संडे यानी संडे। 15 को क्या है, फ्राइडे। उसके बाद क्या है, इस तरह से क्या करना है आपको, राइट डाउन करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले हम क्या लिखेंगे, डेट्स, पहले हम लिखेंगे डेट्स विच आर, जो क्या हो रहा है, 5 से मल्टीपल्स हो रहे हैं वो लिखेंगे, विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर क्या है वो पहले हम देखेंगे। पहला तो क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है एंड 25 एंड 30, ये 30 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम क्या करना है,
ये हो गए हमारे डेट्स। अब इसका हमें डेज लिखना है, तो सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू देखेंगे तो फाइव जो डेट है उसको क्या आ रहा है, डेज ट्यूजडे आ रहा है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे ट्यूजडे। 10 को क्या आ रहा है, देखिए 10 को आ रहा है संडे, संडे। 15 को क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे फ्राइडे, उसके बाद फ्राइडे के बाद 20 को आ रहा वेनसडे, वेनसडे। उसके बाद 25 को क्या आ रहा है मंडे, एंड 30 को क्या आ रहा है सैटरडे। देखिए यहाँ पे दो एस जो एक साथ है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले सैटरडे आता है फिर संडे आता है, तो ये सैटरडे और ये संडे। तो अब हमने क्या क्या, ये सैंपल स्पेस राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे। तो एन एस इज इक्वल्स टू टोटल कितने डेज है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या आया, 6 आया। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी, क्या है, कमिटी ऑफ टू फ्रॉम टू बॉयज B1 B2 एंड टू गर्ल्स G1 G2 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। क्या करना है आपको, नीचे जो एक्टिविटी दी गई उसको कंप्लीट करना है और सैंपल स्पेस तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में, देखिए क्या है एक्टिविटी देखते हैं। ए दिया गया है, पहले ए में क्या है, कमिटी ऑफ टू बॉयज, तो ए वाला क्या है, कमिटी ऑफ टू बॉयज, टू बॉयज यानी क्या दिया गया है, B1 एंड B2 दिया गया है। तो क्या बोलना है यहाँ पे, क्या करना है, कमिटी करना है, कमिटी यानी यहाँ पे हम क्या करना है, कॉमा नहीं लगाना है, तो ओनली यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे B1 एंड B2, क्या करना है दोनों के साथ कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए कमिटी ऑफ टू गर्ल्स, टू गर्ल्स यानी क्या है, G1 एंड G2 यानी दो गर्ल्स हो गए G1 एंड G2, इसमें भी क्या करना है कॉमन नहीं लगाना है क्योंकि कमिटी है। अब सी देखिए क्या है, कमिटी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल, क्या करना है, वन बॉय और वन गर्ल की जोड़ी यानी B1 G1 दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब हम क्या करेंगे B1 ऐसे लिखेंगे, उसके साथ G के जगह G1 की जगह G2 लिख देंगे, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, B1 G1 B1 G2, अब हम क्या करेंगे G1 को फर्स्ट लिखेंगे, G2 एंड B2, ये हो गया। इस तरह से क्या करना था, वन बॉय एंड वन गर्ल का करना था। अभी क्या करना है, हमें सैंपल स्पेस तैयार करना है। सैंपल स्पेस यानी जो जितने ये सब जो है कमिटीज की जोड़ी सब हम क्या करेंगे इसमें राइट डाउन करेंगे। पहले देखिए क्या है, B1 B2, इसमें कॉमा नहीं लगाना है, ये फर्स्ट कॉमा, G1 G2, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद क्या आएगा, B1 G1 B1 G1, उसके बाद क्या आएगा B1 एंड G2, उसके बाद क्या आ जाएगा G1 B1 एंड लास्ट में क्या आएगा G2 B2। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या तैयार हुआ, देखिए पहले B1 B2 है, B1 B2, G1 G2 G1 G2, B1 G1 B1 G1, और यहाँ पे सॉरी क्या आएगा, B2 और G2 आएगा, B2 एंड G2, G1 B1 G1 B1 G2 एंड B2, ये होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।